है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ का हड़ताल जारी है। ये हड़ताल 30 जनवरी तक चलेगा। कर्मचारियों ने यह हड़ताल अपने बकाया वेतन और छठा वेतन के मांग को लेकर दिया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी पुरानी मांग को लेकर कई वर्षों से लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। हर बार इन्हें आश्वासन ही मिला है, लेकिन इस बार ये कर्मचारी आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। वैसे इन कर्मचारियों का 3 दिवसीय हड़ताल जारी है और ये हड़ताल 30 जनवरी तक रहेगा। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मांग को लेकर बैठे हैं, वो 5 सूत्री मांग हमारा है जो 15 वर्षों से लंबित है। पहला है पंचम वेतन मान में जो वेतन विसंगति होकर वेतन निर्धारण हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें व्यापक विसंगतियां हैं, उसको दूर करते हुए और ACP का लाभ देते हुए पंचम वेतन पुनरीक्षित वेतन मान का बकाया राशि का भुगतान करना है। इसके बाद छठा वेतन मान अभिलंब लागू करना है, ACP योजना का लाभ देना है और कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है वह 62 वर्ष करना है। इन मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज 10 वर्षों से 3 बार आंदोलन किए, जो लंबे समय तक मेरा आंदोलन चला। 2010 में 84 दिन हमारा आंदोलन हुआ। राष्ट्रपति शासन में मेरे साथ समझौता हुआ कि 15 दिनों के अंदर सारी मांग को पूरा कर दी जाएगी। आज 6 महीना बीत गया, लेकिन यह सरकार जो है आनाकानी कर रही है। इसका जो पिता साहिब जो बैठे हैं HRD में, उनका जो मनसा कर्मचारियों के प्रति साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने पूरा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। दूसरा चरण में हमारा 27 से 31 तक ले काला बिला लगाकर काज का बहिष्कार हम लोग किए हैं और 2 फरवरी को पूरे राज्य के कर्मचारी शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम यह नहीं चाहते हैं कि हम बार बार आंदोलन करें, लेकिन यह सरकार हमको विवश कर रही है।